हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं इस वेबसाइट के बारे में सो दिस इज़ ए वीडियो फ्रॉम आर प्रैक्टिकल सीरीज सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अपलोडिंग प्रैक्टिकल वीडियोस एवरी डे मोस्ट प्रोबेबली एवरी डे विल बी गेटिंग प्रैक्टिकल हाउ टू क्रिएट प्रैक्टिकल वेबसाइट्स ठीक है एच डी एम से आप कैसे वेबसाइट्स बना सकते हैं प्रैक्टिकल एवरी डे सो दैट इज़ द वीडियो फ्रॉम दैट सीरीज़ और आज हम ये वेबसाइट बनाने वाले हैं राइट तो एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट सिंपल वेबसाइट्स ठीक है आप सिंपल बनाओगे आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे और फिर आपको सिंगल से हार्ड और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स की तरफ मूव करना चाहिए तो ये वेबसाइट बहुत सिंपल है यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा नेविगेशन है या बैकग्राउंड में इमेज है यहाँ पे सिंपल सा एक ये है यहाँ पे दो सेक्शंस हैं यहाँ पे ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ठीक है इसको मैं अगर Uh, इधर देखूँ तो ये पूरी रिस्पॉन्सिव है अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखो ये इट इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव मैं अगर इधर आता हूँ देखो तो मोबाइल के लिए दिस इज़ परफेक्टली परफेक्ट ठीक है मोबाइल के लिए अगर मुझे इसको करना है तो दैट इज़ और मेरा ये जो नेविगेशन है वो भी यहाँ पे इस तरीके से परफेक्ट है ठीक है तो ये वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं और गाइज अगर आपको इन डेप्थ सीखना है राइट right? कि कैसे इस तरह की वेबसाइट बनाना है ऐसी नहीं किसी भी तरह की वेबसाइट अगर आपको बनाना है इन डेप्थ कि हर कोई भी इमेज को देख के आप उसको लेआउट में कन्वर्ट कर सको देन चेकआउट माय कोर्स राइट आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है व्हाट्सएप पर और जस्ट टेक्स्ट मी कि गिव मी डिटेल्स अबाउट योर कोर्स आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इट विल बी लाइफ चेंजिंग यही काम अगर आप खुद सीखेंगे या YouTube से सीखेंगे या कहीं और से सीखेंगे इट विल वॉन्ट टू टेक यू लाइक एंड मिनिमम बता रहा हूँ मैं कि एक एक साल आपको लग जाएगा बट विद मी यू कैन लर्न एवरी थिंग मोस्ट ऑफ द फ्रंट एंड पार्ट विद इन थ्री मंथ्स इट्स क्रेजी और स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है ओके okay, सो so बिना टाइम गवाएं चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसको मैं गो लाइव चले जाऊँगा राइट इसको मैं लाइव खोल लेता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए ठीक है तो मेरे पास मेरे पास एक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना हुआ है ना इसका नाम मैं दे दूंगा इंट्रोस्पेक्ट और मैंने व्यू पोर्ट वाला टैग यहाँ पे ले लिया है यूटीएफ टैग ले लिया है ठीक है इसके बाद मुझे लेना है फॉन्ट ऑसम awesome और मेरे पास कुछ फॉन्ट font, फॉन्ट्स uh, है एक लाटो है एक पैसिफिको है तो वो दोनों फॉन्ट्स जो हैं वो मैं कॉपी कर लूँगा

कोई चेंजेस नहीं दिखे क्योंकि अभी हमारे इसमें कुछ भी कॉन्टेंट नहीं है अब मैं बॉडी में जाऊँगा सबसे पहले हम क्या करेंगे टॉप वाला पार्ट जो है उसको बनाना शुरू करेंगे जो कि है नेविगेशन और बैनर वाला ठीक है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बैनर और देखो हमेशा आपको आपकी वेबसाइट को कमेंट आउट करना है कमेंट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है और इसको मैं नेविगेशन नेविगेशन भी है और बैनर भी ठीक है तो ये कर देता हूँ ओके नेविगेशन से स्टार्ट किया एक मैंने डिव लिया नेविगेशन इसके अंदर एक मैं डिव लूंगा सेंटर ठीक है और सेंटर के अंदर मैं एक हेडिंग लूंगा एच टू है ना? और इस एच टू की मैं क्लास दे दूँगा लोगो। ठीक है इस एच टू के अंदर मैं लिखूँगा इंट्रोस्पेक्ट ठीक है और इसके नीचे मैं लूँगा यूएल ना और इसके अंदर एल आई एक एल आई ले लूंगा उसके अंदर एक ए ले लूंगा उसको किया मैंने हैश और इसमें ले लूंगा होम होम उसको दो बार कॉपी कर लिया इसमें दिया जेनेरिक और यहां पर मैं दूंगा एलिमेंट्स ठीक है इसको किया मैंने सेव सेव करने के बाद आप देखेंगे तो मेरे पास ये कुछ ऐसा आ गया है ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका फटाफट फटाफट एच टी ए में लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट के लिए ठीक है तो ये था यू एल यू एल कम्प्लीट हो गया है और नीचे आऊँगा मैं और यहाँ पर एक बटन दूँगा ठीक है अब ये जो बटन है ना ये बटन क्यों दे रहे हैं हम आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल व्यू में जाते हैं जब वेबसाइट को हम मोबाइल व्यू देते हैं ठीक है तो साइड में यहाँ पे एक आइकन आ जाता है जिसको हम क्लिक करते हैं तो एक बटन एक बटन होता है जिससे ये फिर नेविगेशन हमारा दिखता है और हाइड होता है तो ये उसके लिए हम यहाँ पे ये बटन ले रहे हैं है ना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लास uh, यहाँ पे ले गए हम आइकन ओके okay? और इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पेन ठीक है स्पेन की क्लास में लूँगा यहाँ पर एफ एफ ए बार्स ठीक है और उसके इसको मैंने सेव किया अभी आपका ये जो आइकन है यहाँ पे ये दिखने लगा है ठीक है ये वाला आइकन हमें चाहिए था अब इसको हम जब सी से करेंगे तब इसको हम हाइड कर देंगे जब हम डेस्कटॉप साइज़ पर रहेंगे और जब वो हम आगे करेंगे ठीक है तो देखो ये जो नेविगेशन है ये नेविगेशन वाला पार्ट मेरा यहाँ पर कम्प्लीट हो गया ठीक है थीके? तो ये नेविगेशन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है फिर क्या करूँगा मैं आपने देखा होगा कि इमेज और कुछ वहाँ पे उस तरह की चीज़ें हैं तो वो मुझे यहाँ पे करनी है तो उसके लिए लूंगा मैं फुल वेट ठीक है और बैनर यहां पे ले लूंगा ठीक है बैनर के बाद यहां पे मैं लूंगा H1 ठीक है और H1 के अंदर मैं लूंगा इंट्रोस्पेक्ट ओके और उसके बाद ए फ्री फुल्ली रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बाई एच टी टी सो आई है उस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा ठीक है तो ये चीज़ मुझे लिखनी है ओके अब ये जो इंट्रोस्पेक्ट है इसका थोड़ा सा जो है वो स्टाइलिंग अलग है है ना तो मैं क्या करूँगा इसको स्पेन इसको मैं स्पेन टेक के अंदर ले लूँगा ठीक है उसको कॉपी किया या पेस्ट किया क्लास डाली बोर्ड ठीक है इंट्रोस्पेक्ट कर दिया एफरी फुल्ली रिस्पॉन्सड टेंड बाई एच टी टी ओके ओके ग्रेट मूविंग ऑन इसके बाद नीचे मैं बटन लेता हूं है ना कैट स्टार्टेड ये गेट स्टार्टेड का मैंने बटन लिया इसको मैंने सेव किया तो आपका कुछ इस तरीके से यहां पे कंटेंट मिल जाएगा है ना आई थिंक हमारे फोन चलो वो हम आगे अप्लाई करेंगे फुल विथ हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया ओके okay? ग्रेट अब गाइस आप मैं यहाँ पे वेबसाइट बनवा तो रहा हूँ लेकिन आपको क्या करना है कि आपको वेबसाइट बनाना है और वेबसाइट बनाकर आपको सिर्फ देखना नहीं है इन टूटोरियल्स को देखना नहीं है आपको इनकी प्रैक्टिस भी करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो सो देर विल बी ए बिग लॉस ठीक है प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा चीजें सीखने को मिलेगी है ना तो यहाँ पे मैंने वन सेक्शन लिया और एक डिव लूँगा मैं जिसका नाम होगा वन सेक्शन ओके इसके अंदर एक एच वन होगा है ना और एच वन का जो टेक्स्ट है दैट विल बी दिस मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि सिंपल टेक्स्ट है उसके बाद पी होगा ठीक है पी का जो टेक्स्ट होगा दैट इज़ दिस ठीक है तो सिंपली एक एच वन है पी है और इसके नीचे जो है दैट विल बटन है ना? और इसकी मैं क्लास दे देता हूँ बी टी एन क्लास कुछ भी दे सकते हैं आपको पता है कि क्लास ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक आपको देना नहीं होता है ठीक है तो ये वन सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट विल बी टू सेक्शन टू टू सेक्शन ठीक है अब टू सेक्शन में नीचे आऊँगा मैं और यहाँ पे लिखूँगा डॉट एक डिव ले लूँगा टू सेक्शन टू सेक्शन ओके मूविंग ऑन यहाँ पे अब मुझे क्या करना है टू सेक्शन को सेंटर में लेना है तो एक एक और डिव लूँगा मैं जिसका नाम होगा टू टू सेक्शन सेंटर ठीक है टू सेक्शन सेंटर ले लूँगा और इसके अंदर मैं डालूंगा एक डिव लेफ्ट है ना लेफ्ट के अंदर होगा आपका एच टू एच टू के अंदर देर इज समेक्स्ट जो कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा ओके okay. और उसके बाद यहाँ पर आइए आपकी आई ठीक है आई होगी आपकी इमेज स्लैश पिक जीरो वन डॉट जे पी जी ओके और इसकी मैं क्लास दे दूंगा ठीक है इमेज की मैं क्लास दे दूंगा पिक्स ओके और यहाँ पे नीचे आके मैं पैराग्राफ लगा दूंगा है ना तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट ठीक है अब ये मेरा जो लेफ्ट है, ये कंप्लीट हो गया है मैं क्या करूँगा इसको एज़ इट इज़ कॉपी कर लूँगा है ना और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा अब लेफ़्ट की जगह इसको राइट में ले लूँगा अब ये मेरा राइट बॉक्स हो जाएगा ठीक है ये मेरा हो जाएगा राइट बॉक्स और यहाँ पे मुझे ये जो ये है इसमें मुझे क्लियर फिक्स लगाना होगा क्लियर फिक्स इसलिए लगाना है क्योंकि जो दोनों डिव्स हैं इनको मैं फ्लोट करा दूँगा और आ, हमेशा क्या होता है कि जब भी आप दो divs को फ्लोट करा दें तो उसका जो पेरेंट है वो कोलेप्स हो जाता है और उसी को बचाने के लिए हम यहाँ पर क्लियर फिक्स का यूज़ कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर ये यह इमेज नहीं है दट इज़ बेसिकली img, ठीक है ठीक है ये हो गया अब यहाँ पे इमेज दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि एक्चुअली मैंने इमेज को यहां पर कॉपी नहीं किया आई विल डू इट लेटर आफ्टरवर्ड्स अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज के लिए ठीक है तो ये जो आपका टू सेक्शन है दैट इज कंप्लीट एंड दैट इज फाइन नाउ ठीक है अब आपका आता है थ्री सेक्शन है ना तो मैं नीचे आऊँगा और यहां पे कमेंट आउट कर दूंगा थ्री सेक्शन ठीक है और थ्री सेक्शन में आके नीचे यहाँ पे एक डिव ले लूँगा जिसका नाम होगा थ्री सेक्शन अब ये जो क्लासेस में लेता हूँ ना इनका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं बाकी वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लेना चाहोगे यहाँ पे मैं क्लियर फिक्स लगा दूंगा क्योंकि इसके अंदर के जो डिव्स हैं उनको मुझे फ्लोट कराना है और जब मैं सभी को फ्लोट करा दूंगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा उसको कोलेप्स होने से बचाने के लिए मुझे क्लियर फिक्स का यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले मैं पहला बॉक्स बनाऊंगा जिसका नाम होगा थ्री बॉक्स है ना अब ये तीन बॉक्स है हर बॉक्स का नाम मैं थ्री बॉक्स ही रखूँगा क्योंकि इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस है ना सबसे पहले मैं लूँगा एक स्पेन क्योंकि मेरे पास एक आइकन है और उसकी क्लास होगी एफ एफ लैपटॉप है ना और मैं इसमें एक मेरी एक पर्सनल क्लास दे दूँगा है ना फिर मैं लूँगा एच टू ठीक है और इसके बाद पी ले लूँगा मैं लॉरमि मेरे को खैर इतना लंबा टेक्स्ट नहीं चाहिए आई विल कॉपी द टेक्स्ट एग्जैक्टली ठीक है आई विल कॉपी द टेक्स्ट एग्जैक्टली इसके बाद मैं आऊँगा नीचे बटन ठीक है और ये बटन का नाम हो जाएगा लर्न मोर ठीक है तो ये जो मेरे थ्री बॉक्स है उसका एक जो बॉक्स है वो मैंने क्रिएट कर लिया है अब मुझे क्या करना है मुझे अब इसी को कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि ये तीन बॉक्स हैं तो मैं क्या करूँगा इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको तीन बार तो तीन कर दो ठीक है अब यहाँ पे लैपटॉप है यहाँ पे मुझे वापस लैपटॉप नहीं चाहिए ठीक है यहाँ पे मुझे चाहिए डायमंड ओके और ठीक है लास्ट वाले को हम लैपटॉप ही रहने देते हैं इसको किया मैंने सेव तो आप देखेंगे लैपटॉप डायमंड लैपटॉप है ना तो इस तरह का मुझे कुछ यहाँ पे मिल गया है और मेरा मतलब जो थ्री सेक्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ठीक है लेट मी चेक इफ आई हैव रिटर्न एवरीथिंग करेक्ट ओके इट सीम्स करेक्ट इट इज़ ग्रेट और वी विल मूव ऑन ठीक है तो देखो हमेशा मेरी यही आदत है कि मैं पहले एच लिखता हूँ क्योंकि फिर क्या होता है कि फिर आखिरी का जो काम होता है वो सिर्फ आ, हमें स्टाइलिंग करने का होता है आई फाइंड इट रियली ईज़ी कि सिर्फ स्टाइलिंग करनी ठीक है तो फूटर पे काम करते हैं अब हम फुटर पे काम करते हैं और यहाँ पे एक डिव ले लेंगे हम जिसका नाम होगा फुटर ओके और इसको फुटर ये होगा फुल वेट और इसको हम सेंटर करेंगे तो सेंटर करने के लिए क्या करेंगे फूटर सेंटर करके एक डिव ले लेंगे जिसके अंदर एक हम क्लियर फिक्स वाला लगा देंगे ठीक है इसके अंदर हम लेंगे फॉर्म है ना और एक्शन तो अभी हम हैश दे देंगे और इसके अंदर हमें लेना है फॉर्म सबसे पहले हम लेंगे एक एच वन एच वन ले लेंगे गेट इन टच ओ टच नहीं सिर्फ टच ठीक <laughs> है एच वन हो गया उसके बाद इनपुट बॉक्स लूँगा मैं इनपुट बॉक्स होगा आपका टेक्स्ट ठीक है प्लेस होल्डर होगा यहाँ पे नेम क्लास होगा नेम, ठीक है इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं इसकी क्लास होगी ईमेल प्लेस होल्डर होगा ईमेल, टाइप होगा टेक्स्ट लास्टली क्या होगा कमेंट्स उसको हम टेक्स्ट ही देंगे ठीक है कमेंट्स ये होगा कमेंट्स की बजाय हम इसको कर देते हैं मैसेज ठीक है मैसेज कर देते हैं ठीक है और यहाँ पे नीचे आएंगे बी आर लगाएंगे हम और बी आर के नीचे एक बटन लगाएंगे ठीक है और इसका कर देंगे सेंड मैसेज सेंड मैसेज ठीक है बटन लगा के हम यहाँ पे कर देंगे सेंड मैसेज तो ये हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम और फॉर्म के नीचे हम एक पी लगाएंगे और पी में मेरे पास ये टेक्स्ट है जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है उसको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है हमें जो एच लिखना था दैट इज़ कम्प्लीट अब हमें एच का जो काम है अब वो कुछ भी बचा हुआ नहीं है है ना? अब सिंपली क्या करना है मुझे नीचे दो चीज़ करनी है बॉडी टैग में ही मुझे जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरी लगानी है है ना तो सबसे पहले मैं जे क्वेरी को लिंक कर दूंगा, क्योंकि हमें ये जे क्वेरी का लिंक है और अब यहाँ पे मैं अपनी जो जावास्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे लगा दूंगा ठीक है एस आर एस आर सी इसके अंदर लिखूँगा जे एस स्क्रिप्ट डॉट जेस ठीक है तो ये मेरा इतना काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ये एच मैंने कंप्लीट लिख चुका हूँ मैं और अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका लिखेंगे सी एस एस कैसे एक्चुअली मैं इमेजेस को कॉपी करना भूल गया था सो so, मैंने इमेजेस यहाँ पे कॉपी कर दी है और यू कैन सी कि यहाँ पे इमेजेस मुझे दिखाई दे रही है लेकिन मुझे नाम जो है आई गेस यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ई e पी ज़ीरो टू होगा यहाँ पे ठीक है तो एक इमेज ये आ गई और एक इमेज ये आ गई ओके मूविंग ऑन इसका जब है अब हम यहाँ पर सी लिखेंगे ठीक है यहां जाता हूं मैं सी एस एस स्टाइलॉड सी एस एस को ओपन कर लेता हूं वी वील गोइंग टू राइट आर सी एस एस हिअर सबसे पहले मैं बॉडी टैग को टारगेट करूंगा है ना और यहां बॉडी टैग में मैं लगा दूंगा मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो ठीक है फॉन्ट फैमिली लाटो कॉमा सेंस सेरिफ ठीक है तो देखो ये क्या होता है फॉन्ट फैमिली हमने जो यहाँ पे इंपोर्ट की थी टॉप में वो फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे यूज करूँ है ना और इसके बाद सेंस सेरिफ का मतलब ये होता है कि अगर ये अप्लाई ना हो तो हमें सेंस सेरिफ यहाँ पे अप्लाई करना है तो देखो यहाँ पे हमारा फॉन्ड भी चेंज हो गया और जो मार्जिन वगैरह थी वो सब यहाँ पे हट गई ठीक है बॉडी में से पूरी मार्जिन पैडिंग थी वो जीरो हो गई ओके मूविंग ऑन अब यहां पे मैं क्लियर फिक्स की जो है वो लिख दूंगा क्लियर फिक्स वाला यहां पे मैं लिखूंगा कंटेंट ठीक है अब क्लियर फिक्स जो है वो इसलिए होता है कि बहुत बार क्या होता है हमारा जो कंटेंट है आ, कोई भी मान लो पेरेंट डिफ है उसके अंदर दो चाइल्ड एलिमेंट है और जब हम उसको फ्लोट करवाते हैं तो वो कंटेंट खुलेप्स हो जाता है तो उस आइटम को कोलेप्स होने से बचाने के लिए हम क्लियरफिक्स को यूज करते हैं ठीक है तो इस तरह का हम कुछ लिखते हैं डिस्प्ले में यहां पे लिखूंगा ब्लॉक ओके और क्लियर यहां पर होगा बोथ ठीक है तो अभी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, जहां जहां हम इसको हमने इसको लगाया है फिक्स प्रॉपर्टी को जहां जहाँ हमने इसको लगाया है वहां पे इसका फर्क पड़ेगा ओके उसके बाद पूरे इसके अंदर मैं कर दूंगा पूरी मतलब स्टार लगा के हर एलिमेंट स्टार का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल और इसकी जो बॉक्स साइजिंग है वो होगी बॉर्डर बॉक्स ठीक है तो ये बॉक्स साइजिंग मैंने लगा दी बॉर्डर बॉक्स इससे क्या होता है कि आपका जो पैडिंग है और जो आपकी बॉर्डर है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ते हैं लेआउट के अंदर ठीक है अब यहाँ पे मैं एच टी एम ले लेता हूँ एच टी एम एल टेक को टारगेट करता हूँ और फॉन्ट साइज यहाँ पे ले लेता हूँ 15 पिक्सल ठीक है तो ये हम जनरली यूज करते हैं अगर हम एम रैम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम इसको लगाते हैं ठीक है ओके ग्रेट मूविंग ऑन अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा सबसे पहले नेविगेशन ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ नेविगेशन और बैनर को टारगेट कर लेता हूँ ठीक है नेविगेशन और बैनर को मैंने टारगेट कर लिया सबसे पहले मैं लगाऊंगा नेविगेशन को टारगेट यहाँ पर करूँगा नेविगेशन को मैंने टारगेट किया और ब्रैकेट के अंदर विथ्थ उसकी दे दी हंड्रेड परसेंट ठीक है बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लैक ठीक है सेव किया तो देखो हमारा नेविगेशन कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखने लगा है ओके okay? नीचे आता हूँ डॉट सेंटर नेव डॉट लोगो ठीक है इसको कराऊंगा मैं फ्लोट लेफ्ट कलर हैश एफ 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 ठीक है फॉन्ट फैमिली जो है वो होगी पेसीफिको पेसीफिको करेक्ट है ओके okay. uh, इसका बैक हम दे देंगे कर्सिव बैक का मतलब होता है कि मान लो को अप्लाई ना हो तो कर्सिव आपके पी सिस्टम में होता ही है तो वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ठीक है सेंटर नैव डॉट लोगो फ्लोट लेफ्ट कराया कलर दिया हैश एफ 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 ठीक है कर्सीव इंडेक्स इंडेक्स ओके एक्चुअली सेंटर नेव नहीं होगा इट्स जस्ट सेंटर ठीक है ओके ऑल राइट सेंटर ही लिया था ना ओके okay. ठीक है uh, या फिर हम इसको सेंटर नेव ही कर देते हैं इट विल मेक मच मोर सेंस यहाँ भी हम इसको नेव कर देते हैं ओके मूविंग ऑन यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फॉन्ट फैमिली कर्सिव हो गई उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट वेट ठीक है फॉन्ट वेट होगा आपका हंड्रेड इसके बाद कलर होगा दैट विल बी आर जी बी ओके टू वन एट और फोर्टी नाइन फोटी नाइन ओके सेव किया कलर जो हो गया वो हमें मिल गया यहाँ पर रेड मार्जिन हम ले लेंगे इसकी ज़ीरो ओके एंड फॉन्ट साइज वन पॉइंट नाइन रैम ठीक है उसके बाद पैडिंग लेफ्ट होगी टेन पिक्सल तो ये इतनी हमने स्टाइलिंग कर दी है दैट इज फॉर जस्ट फॉर द लोगो पार्ट है ना अभी सिर्फ हमने लोगो पार्ट के लिए स्टाइलिंग की है अभी हमारा बहुत सारा पार्ट जो है वो बचा हुआ है अब मैं आऊँगा नीचे डॉट सेंटर नेव यू एल कर देंगे हम इसको ठीक है आ, इसका जो फ्लोट है वो कर देंगे हम राइट right में फ्लोट करवा देंगे ठीक है कलर जो है कलर करा देंगे हम हैश एफ 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 ठीक है और जो डॉट आइकन है उसको किया सेव तो देखो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलने लगेगा है ना डॉट uh, आइकन है इसको हम कराएंगे फ्लोट राइट ठीक है और मार्जिन टॉप कितना ले लेंगे टेन पिक्सल ठीक है ना ओ ना हो ना हो क्या हो रहा है कि आई थिंक आई हैव मैं यहाँ पे भूल गया हूँ टू एड क्लियर फिक्स आई थिंक यहाँ पे हमें क्लियर फिक्स लगाना पड़ेगा सेंटर नेम के अंदर क्योंकि हमारा डेटा जो है सॉरी क्लियर फिक्स ठीक है देखो क्या होता है अगर क्लियर फिक्स नहीं लगाते हैं ना तो ये कोलैप्स होते हैं आपने देखा होगा कि ब्लैक वाला बॉक्स गायब ही हो रहा है है ना उसको क्लियर कोलैप्स होना बोलते हैं तो ये क्लियर फिक्स लगाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है है ना तो ये मार्जिन टॉप मैंने दिया आइकन में टेन uh, पिक्सल ये कौन सा वाला ये बटन की हम बात कर रहे हैं है ना और बैकग्राउंड कलर इसका हम दे देते हैं ट्रांसपेरेंट ठीक है ट्रांसपेरेंट हो गया अब वो ब्लैक में ब्लैक दिखेगा नहीं बॉर्डर uh, हम ले लेते हैं इसकी वन पिक्सल सॉलिड हैश एफ 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 ठीक है तो ये बॉर्डर इसकी इस तरीके की हो गई अब ये हमें दिखाना नहीं है ऑल राइट right? ये जो है हमें दिखाना नहीं है है ना? तो मैं इसको क्या कर दूंगा डिस्प्ले नन ओके okay. क्योंकि ये हम कब दिखाएंगे जब हम मोबाइल साइज में जाएंगे ओके okay. इसके बाद मैं क्या करूंगा? मेरे जो आइकन्स हैं है ना? इसकी जो फॉन्ट साइज है वो कर दूंगा ट्वेंटी फाइव पिक्सल ठीक है और कलर कर दूंगा हैश एफ 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 ठीक है इसको मैं दो सेकंड के लिए हटाता हूँ इसे समझ में आ जाएगा कि इसको हमने बड़ा किया है एफ़ को टारगेट किया मतलब फॉन्ट ऑसम वाला जो टैग है उसको हमने टारगेट किया है ठीक है ये एफ ए हमने टारगेट किया है बार्ज वाला है ना और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ाया है तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसको हटाया था ओके मूविंग ऑन सेंटर ने एल आई डॉट सेंटर नेव एल आई देखो जो आपका सी एस एस है ना बेसिकली वहाँ पर आपको बहुत सारा क्लो कोड लिखना पड़ता है जस्ट टू स्टाइलाइज थिंग्स ठीक है और इसको आप जितना करते जाओगे उतना आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ठीक है पैडिंग राइट की मैंने थर्टी पिक्सल ओके और लिस्ट स्टाइल जो है वो करना है नन ठीक है तो देखो ये बहुत हद तक अब अच्छा यहां पे दिखने लगा है राइट right? तो ये हमारा काम हो गया उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और इसको इंप्रूव करेंगे और सेंटर नेव एल के नीचे मैं लूंगा सेंटर नेव ए ठीक है सेंटर नेव ए लिया इसका कलर ले लूंगा मैं हैश एफ 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 ठीक है टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन सेव तो और ये हमारा जो नेविगेशन है ये लगभग तैयार है ठीक है इज इट लुकिंग राइट आई होप इट इट्स इट्स लुकिंग राइट ठीक है सेंटर नेव जो है ना सेंटर नेव जो है इसमें हम क्या करेंगे कि सेंटर नेव को हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे देंगे वो हमने नहीं दी हमने डायरेक्टली उसको सिर्फ उसी को कर दिया है पूरा टॉट सेंटर नेब को हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देंगे सबसे पहले हम इसकी मैक्सफिट सेट कर देंगे मैक्सविट का मतलब है कि हम हमारा जो नेविगेशन है वो वैसे तो फुल वेट है लेकिन एक 1200 सौ पिक्सल से ऊपर जाने के बाद वो मूव ना हो या इंक्रीज ना हो ठीक है उसकी जो मार्जिन है दैट विल बी ज़ीरो जीरो ऑटो एंड पैडिंग जो है दैट विल बी 15 पिक्सल ठीक है तो अब ये ज़्यादा बेटर दिखने लगा हुआ है आई थिंक इट्स लुकिंग मच बेटर ओके ऑल राइट मूविंग ऑल ये हमारा जो पार्ट था नेविगेशन वाला वो नेविगेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है अब आगे हम बढ़ते हैं और हमारे जो बैनर वाला पार्ट है उसको हम बेटर बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास एक डिव था जिसका नाम था फुल विथ है ना तो जो फुल विथ है उसको मैं टारगेट करूँगा उसकी विथ मैं यहाँ दे दूँगा हंड्रेड परसेंट ठीक है बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर मैं दे दूंगा उसका यू होगा इसके अंदर डॉट डॉट स्लैश इमेज स्लैश बैनर डॉट जे ठीक है और इसका सेव किया तो यहाँ पे कुछ अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है बिकॉज आई ये इट शुड बी नॉट इट शुड बी आई एम जी ओके अब ये यह यहाँ पे विजिबल है थोड़ा सा uh, मैं और इसकी स्टाइलिंग करूँगा ठीक hmm. है चलो मूविंग ऑन बैकग्राउंड इस अब थोड़ा सा बैकग्राउंड की मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डालनी है वो मैं डाल देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट ठीक है वो हो जाएगा स्क्रॉल ठीक है और बैकग्राउंड पोजिशन बैकग्राउंड पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशन हो जाएगी आपकी टॉप और सेंटर ठीक है बैकग्राउंड रिपीट हो जाएगा आपका नो रिपीट ओके और बैकग्राउंड साइज हो जाएगा आपका कवर अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी लगानी पड़ती है अगर हमें सारी चीज़ें अच्छे से उसके अंदर मैनेज करनी तो ये होगा एश एफ 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 ठीक है इसको किया मैंने सेफ और कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर मेरा दिखने लगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर अभी पूरा ये विजिबल नहीं है ना तो उसको हम आगे जाएंगे थोड़ा सा और वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे डॉट बैनर को ले लेता हूँ है ना और यहाँ पे इसकी मैक्स फिट जो है वो दे दूंगा कितनी 1200 हंड्रेड पिक्सल टी नीट आई थिंक ये ट्वेल्व थाउजेंड हो गया है ओके okay. मैक्स फिट दे दिए ट्वेल्व हंड्रेड पिक्सल इट ज़ीरो ऑटो एंड देन पैडिंग पैडिंग होगी 150 फिफ्टी पिक्सल और जीरो पिक्सल ठीक है पैडिंग लेफ्ट यहां पे लेंगे हम हाउ मच ट्वेंटी पिक्सल वेन आई सेव तो आप देखोगे दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट तो अब क्या हुआ कि मैक्सपीट मैंने 1200 पिक्सल दे दिए है मार्जिन जीरो पैडिंग जो है 150 पिक्सल ये और 150 पिक्सल इधर दोनों साइड उसने इंक्रीज कर दी है तो उसकी वजह से यहां पे ये थोड़ा सा इट्स लुकिंग मच बेटर और पैडिंग लेफ्ट मतलब इधर से मैंने पैडिंग लेफ्ट ले ली ताकि इधर से थोड़ी सी स्पेस छुट जाए दैट इज ट्वेंटी पिक्सल ठीक है ओके okay. ग्रेट अब हम जाएंगे नीचे और ये जो एच है उसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करेंगे और इसको थोड़ा सा बेटर करेंगे ओके okay? तो मैं डॉट बैनर के अंदर जो एच है उसको टारगेट करता हूँ ठीक है फॉन्ट वेट मैंने लिया 500 फ़ॉन्ट साइज़ मैंने लिया 2.2 पॉइंट ठीक है लेटर स्पेसिंग मैंने लिया टू पिक्सल ठीक है पैडिंग राइट right मैंने ली थर्टी परसेंट ठीक है और लाइन हाइट मैंने ले ली लाइन हाइट ले ली मैंने फिफ्टी फाइव पिक्सल ठीक है तो देखो नाउ यहाँ पे बहुत सारा जो है वो चेंज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अगर मैं इस तरीके से इसको बड़ा करता हूं तो इट्स लुकिंग दिस वे ओके ये हो गया हमारा एच वन इसके बाद एच वन में देखो ये वाला जो है ये वाला पार्ट हमा, हमारा हमने स्पैन में लिया होता है ना और स्पैन का नाम था डॉट बोल्ड तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे इसका हमें फॉन्ट वेट इंक्रीज करना है फॉन्ट वेट हम ले लेंगे सिक्स हंड्रेड ठीक है तो ये जो है हमारा थोड़ा सा बोल्ड हो गया अब फाइनली क्या बच रहा है हमारा बटन बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो ये बटन के साथ हम थोड़ी सी मशक्कत करेंगे और इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे टॉट बैनर के अंदर बटन ठीक है लेट मी चेक माई एच टी एम एल एम आई गेटिंग इट करेक्ट ठीक है बैनर के अंदर एच करेक्ट ओके इसका विथ हम ले लेंगे 150 फिफ्टी पिक्सल इसकी हाइट हम ले लेंगे 45 पिक्सल इसकी मार्जिन टॉप हम ले लेंगे 15 पिक्सल बैकग्राउंड कलर होगा ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट बॉर्डर होगी इसकी दो पिक्सल सॉलिड हैश एफ 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 ठीक है ओके okay. और इसका जो कलर होगा वो भी होगा हैश एफ 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 फॉन्ट वेट जो होगा दैट विल बी सेवन हंड्रेड ओके इसको मैंने सेव और नाउ जस्ट लुक कि हमारा जो बटन था वो पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिखाई दे रहा है इजेंट इट ग्रेट ओके दिस इज़ क्रेजी ऊपर वाला जो पार्ट था हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग ठीक है अब हम बढ़ेंगे आगे और हमारा जो वन सेक्शन वाला पार्ट है ये वाला जो पार्ट है वन सेक्शन वाला पार्ट है इसको हम स्टाइलाइज करने की कोशिश करेंगे लेट्स गो एंड लेट मी कमेंट वन सेक्शन ठीक है वन सेक्शन और सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा वन सेक्शन वाले डिव को जिसका मैक्स मैक्सविथ जो है वो हम दे देंगे आ, नहीं यस मैक्स मैक्सविथ 1200 पिक्सल मार्जिन जीरो ऑटो पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पे 100 पिक्सल और 20 पिक्सल ठीक है पैडिंग लेफ्ट दे देंगे 20 पिक्सल कई बस इस वीडियो को देखना मत इसको एक साइड खोल के इसके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करना यू विल फील मच बेटर ठीक है यू विल लर्न मच बेटर अगर आप ऐसा करते हो इसको सेव किया तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देने लगा है ओके ये वन सेक्शन था हमारा नीचे आऊँगा मैं डॉट वन वन सेक्शन इसके अंदर एच वन हम लेंगे और कलर ले लेंगे हम आर जी बी वही कलर हमें लेना है रेडिशी, तो ये रेड कलर हमारा हो गया ठीक है उसके बाद हमारा वन सेक्शन है इसके अंदर हम लेंगे पी है ना इसका हम कलर ले लेंगे आर जी बी वही वाला कलर ले लेंगे अगेन नहीं हम ग्रे कलर लेना है ये वाला कलर नहीं लेंगे सेवेंटी फाइव ओह नो 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 सेवेंटी फाइव सेवेंटी टू अगेन सेवेंटी टू ठीक है हल्का सा ग्रेइश कलर हमने यहाँ पे पी में दे दिया ओके मूविंग ऑन लाइन हाइट जो है वो हम देंगे यहाँ पे थर्टी पिक्सल ओके okay? और इसके बाद फॉन्ट साइज हैम फ़ॉन्ट वेट जो होगा दैट विल बी हंड्रेड ठीक है तो ये हमारा जो पी है इसको मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ तो इट्स स्टार्टेड लुकिंग मच बेटर ठीक है अब मैं डॉट बी टी एन को टारगेट करूंगा इसकी स्टाइलिंग करूँगा ठीक है विथ लिया मैंने 150 फिफ्टी पिक्सल हाइट लिया मैंने इसका 47 सेवन पिक्सल तो ये हम बटन की स्टाइलिंग कर रहे हैं मार्जिन टॉप लिया मैंने 15 पिक्सल ठीक है और बैकग्राउंड कलर लिया मैंने ट्रांसपेरेंट ओके बॉर्डर ली मैंने टू पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे आर जी बी लेते हैं हम रेड कलर ले लेते हैं ठीक ले ले है कलर ले फिर ले लेंगे हम आर जी बी ही ले लेंगे रेड कलर होगा और फॉन्ट वेट जो होगा फॉन्ट वेट ठीक है सो so, यहाँ पे हम वेट एंड दैट विल बी सेवन हंड्रेड ओके आई विल टाइप सेवन हंड्रेड एंड इफ यू लुक एट अर बटन इट इज लुकिंग मच बेटर एंड इट इज लुकिंग मच मोर अमेजिंग देन बिफोर ठीक है तो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट था विच वी हैव कंप्लीटेड अब हमारे पास है टू सेक्शन ओके okay? टू सेक्शन मैं नीचे आऊँगा टू सेक्शन ठीक है और टू सेक्शन के हम स्टाइलिंग करेंगे टू सेक्शन सबसे पहले मैं इसकी विथ डिफाइन करूंगा दैट विल बी हंड्रेड परसेंट बैकग्राउंड कलर यहां पे ले लेंगे हम वाइट uh, स्मोक ठीक है सो इट दिस कलर लुक्स अमेजिंग है ना हल्का सा ग्रेश टाइप का कलर है व्हाइट स्मोक के नाम से और ये हमारा टू सेक्शन हो गया है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मैंने एक डिव लिया था टू सेक्शन सेंटर के नाम से ठीक है इसका जो मैक्स विथ हम लेंगे मैक्स uh, विथ हम यहाँ पे इसका लेंगे दैट विल बी ट्वेल्व हंड्रेड पिक्सल ओके मार्जिन होगा ज़ीरो ऑटो ठीक है और या आई थिंक दैट्स इट दैट्स इट है ना तो ये सेंटर करने के लिए बेसिकली ताकि एक लिमिट से ज्यादा अगर हमारा ब्राउजर का साइज ज्यादा हो तो हमारी वेबसाइट जो है वो डिस्टर्ब ना दिखे एक जैसे दिखे इस रीजन से हम टू सेक्शन सेंटर लगाते हैं ओके okay, अब हम लगाएंगे यहां पे टू सेक्शन सेंटर में एच टू ओके इसके अंदर मैं कलर ले लूंगा आर जी बी ये वाला कलर ले, ले लेंगे हम फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे ले लेंगे 500 ठीक है तो ये फॉन्ट वेट हम 500 ले लिया हमने यहाँ पे और उसके बाद अब हम स्टाइलिंग करेंगे लेफ्ट और राइट right, ठीक है तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट है एक ये लेफ्ट वाला पार्ट है और एक राइट right वाला पार्ट है तो सबसे पहले हम स्टाइलिंग करेंगे लेफ्ट वाले पार्ट की है ना तो नीचे आप हूँ मैं डॉट टू सेक्शन सेंटर और लेफ्ट, है ना इसमें मैं कराऊंगा फ्लोट लेफ्ट ठीक है और विथ फिफ्टी परसेंट पैडिंग सेवेंटी फाइव पिक्सल और बैकग्राउंड कलर आर जी बी टू टू सिक्स उसके बाद टू थ्री फोर और उसके बाद टू फोर सेवन ठीक है तो इस तरह का है बट इट इज़ नॉट लुकिंग गुड बिकॉज इट्स अ लिटिल डिस्टर्बड ठीक है उसी तरीके से मुझे राइट के लिए भी लेना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़ हमें सेम चाहिए उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ है ना और लेफ्ट की जगह मैं इसको कर दूंगा राइट क्योंकि हमारा राइट बॉक्स है फ्लोट भी हमें इसे राइट कराना कर है तो इसको मैं कर दूंगा राइट है ना और ये होगा मेरा कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा टू टू फाइव टू थ्री नाइन और टू फोर फाइव चूंकि मैंने सेव और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा कलर में अलग है और ये कलर में अलग है आई डोंट इफ यू कैन सी द डिफरेंस बट आई होप यू कैन सी द डिफरेंस ओके और राइट ये हमारा कंप्लीट हो गया राइट वाला जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया अब हम हमारी मैंने पिक्स करके लिया था एक डॉट पिक्स करके लिया था एक क्लास लगाई थी इमेजेस के अंदर ठीक है इसमें मैं सिंपली क्या करूँगा विथ दे दूंगा हंड्रेड परसेंट ठीक है तो देखो अब क्या है कि ये इधर से गेब छुट रही इधर से भी गेब छुट रही और ये बराबर यहाँ पर हो गया ठीक है सो आई थिंक इट्स लुकिंग टेन टाइम्स बेटर देन द प्योर एच डी एम एल पार्ट राइट इट्स लुकिंग ग्रेट ओके अब आगे बढ़ते हैं ये जो पैराग्राफ है इसको हमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है तो पैराग्राफ हम थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे टू सेक्शन सेंटर टू सेक्शन सेंटर पी को टारगेट करेंगे फोन साइज़ को हम लेंगे फोन साइज होगा आपका वन आर ई एम उसके बाद इसका जो कलर होगा वो होगा आर जी बी ठीक है फिफ्टी फोर फिफ्टी टू फिफ्टी टू ठीक है हाँ कुछ चेंज दिखा के नहीं थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश कलर का टाइप का कलर है या आई होप यू कैन सी द डिफरेंस लाइन हाइट यहाँ पे मैं ले लूँगा ट्वेंटी फाइव पिक्सल और पैडिंग टॉप ले लूँगा मैं ट्वेंटी पिक्सल ठीक है तो ये मेरा जो पार्ट था दिस पार्ट इज़ कम्प्लीट तो ये टॉप वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया ये वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया ये वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया नाव अब हमारा थ्री सेक्शन वाला फोटो वाला पार्ट बचा हुआ है नाउ लेट्स टेकल दिस टू सेक्शन यहां पे मैं कमेंट आउट करूंगा थ्री सेक्शंस ओके और थ्री सेक्शंस में यहां पे डायरेक्टली मैं लिख दूंगा थ्री सेक्शन है ना थ्री सेक्शन को टारगेट करूंगा यहां पे ले लूंगा मैक्स फिट 1200 पिक्सल ठीक है मार्जिन ले लूँगा जीरो एंड ऑटो ठीक है और पैडिंग यहाँ पे ले लूंगा हंड्रेड पिक्सल और जीरो पिक्सल ठीक है सेव किया तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखने लगेगा टॉप से और बॉटम से पिक्सल सॉरी स्पेस दिख, मिलने लगी है और बाकी मैक्सफेट और तो जो मार्जिन है वो तो आपको ऐसे दिखने को नहीं मिलेगी व्हेन यू गो टू बिगर डिस्प्लेज और बिगर डिवाइसेस तब आपको ये जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा और समझ में आएगा ओके तो ये था हमारा थ्री सेक्शन वाला मेन डिव अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे मेरे पास एक सॉरी थ्री बॉक्स करके एक डिव था राइट तो थ्री बॉक्स को हम टारगेट करेंगे तीन बॉक्स थे राइट तो उसको हम ले लेंगे थर्टी थ्री परसेंट एंड पैडिंग ले लेंगे हम फिफ्टी पिक्सल ओके okay, और फ्लोट करा देंगे लेफ्ट सेव किया तो आप देखोगे तीनों जो बॉक्सेस हैं वो फ्लोट होके अपने पास पास आ गए और विथ 33% थ्री परसेंट तो तो मतलब ये है कि 33 थ्री ए थर्टी थ्री ए और 33 थ्री ओके आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और मूविंग ऑन हम क्या करेंगे अब डॉट थ्री बॉक्स जो है उसका जो H2 है उसको टारगेट करेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे कलर आर जी बी आर जी बी ए वाला ले लेते हैं ठीक है चलो आर जी बी ए लेते हैं टू हंड्रेड रेड कलर हम ले लेते ले हैं एच टू और इसके बाद फिर डॉट थ्री बॉक्स के अंदर का जो पी है उसको हम टारगेट करेंगे कलर ले, ले लेंगे हम आर जी बी और आई नीड अ लिटिल ग्रेश काइंड ऑफ कलर तो मुझे लिखना ही पड़ेगा उसके लिए 131 थर्टी वन टैप दबाता हूँ वन ट्वेंटी एट टैप दबाता हूँ वन ट्वेंटी एट ठीक है तो कलर जो है मेरा ग्रेस टाइप का कलर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा आप देख पा रहे होंगे ये ग्रेस टाइप का मुझे कलर मिल गया ओके अब मुझे इसमें थोड़ी सी लाइन हाइट बढ़ानी है तो मैं यहाँ जाता हूँ लाइन हाइट बढ़ा देता हूँ लेट्स मेक इट थर्टी पिक्सल वी वील गोइंग तो टू इंक्रीज पैडिंग टेन पिक्सल एंड ज़ीरो ठीक है सेव किया टेन पिक्सल एन जीरो सो आई थिंक इट्स इन अ मच बेटर प्लेस ओके ग्रेट ओके फाइनली हमारे पास क्या है सोशल आइकन्स है, ठीक है आपने देखेंगे टॉप में कुछ आइकन्स थे हमारे पास वेयर डिड दो आइकन्स गो ओके नो प्रॉब्लम ठीक है डॉट सोशल को टारगेट करता हूँ मैं है ना इनका फोन साइज जो है वो इंक्रीज करेंगे हम फोर्टी पिक्सल और इनका जो कलर है वो हम दे देंगे आर जी बी और वी नीड अ लिटिल ग्रेश कलर ठीक है तो ये मेरा जो ग्रे कलर है उस टाइप का कुछ कलर यहाँ पे दिखने लगा है ओके आई थिंक कि हमें जैसा चाहिए था वैसी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देने लगी है ओके ये हमारा सोशल आइकन हो गया उसके बाद हमारा बचता है फाइनली फूटर पार्ट ओके तो अब हम फूटर पार्ट को टारगेट करेंगे और फूटर पार्ट पे काम करेंगे तो मैं नीचे आता हूं फूटर को लिया ठीक है और फूटर को टारगेट किया फूटर की विथ दे दी 100 परसेंट और बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने आर जी बी ठीक है ये कलर ले लिया और कलर जो टेक्स्ट का कलर है दैट विल बी हैश एफ एफ ओके एंड पैडिंग जो है दैट विल बी सेवेंटी फाइव पिक्सल एंड ट्वेंटी पिक्सल ओके इसके बाद डॉट फूटर सेंटर को हम टारगेट करेंगे इसकी हम मैक्सिट दे, दे देंगे कितना 1200 हंड्रेड पिक्सल और मार्जिन दे, दे देंगे ज़ीरो ऑटो ठीक है तो ये हमारा फूटर हो गया है देखो फूटर कुछ इस तरीके से हमारा दिखने लगा इज इट अमेजिंग ओके मूविंग ऑन इसके बाद हमने एक आ, अलग अलग लिए थे डिब लिए थे उनको हम टारगेट करेंगे और उनको स्टाइलाइज करेंगे ठीक है ओके ग्रेट okay. तो सबसे पहले मैं डॉट नेम को टारगेट करूँगा तो ये जो नेम वाला बॉक्स है इसको हम टारगेट करेंगे ना तो इसकी मैं विथ सबसे पहले दे दूँगा कितनी uh, 48 एट परसेंट ठीक है विथ दी फोर्टी एट परसेंट उसके बाद इसकी हाइट मैं दे दूँगा 45 फाइव पिक्सल ओके okay. फ्लोट करा दूंगा मैं इसको लेफ्ट में और मार्जिन इसकी दे दूंगा मैं 15 पिक्सल और ज़ीरो पिक्सल ठीक है बॉर्डर होगी दो पिक्सल सॉलिड आर जी बी आई नीड अ लिटिल ग्रेश काइंड ऑफ कलर टू 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 लेट्स मेक इट दिस कलर ठीक है ठीक लग रहा है आई डोंट नो या इट्स गुड ओके बॉर्डर हमने इसकी दे दी एक लाइट कलर दे दिया इसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो हम दे देंगे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया ठीक है इसके बाद ओपेसिटी जो है इसकी ओपेसिटी हम सेट करेंगे दैट विल बी जीरो पॉइंट फाइव तो ये उसमें ओपे सिटी हमने सेट कर दी बट आई डोंट लाइक द कलर इन द बैकग्राउंड है ना तो मैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज करूँगा और कलर जो है कुछ या तो डार्क मेरा मन हो रहा है देने का या फिर कोई लाइट कलर ये चलो डार्क कलर ठीक है चलो ये ये कलर नहीं हमें देना है ठीक है वो प्लेस होल्डर का कलर हमें देना पड़ेगा चलो बट एनी वेज लेट इट बी ठीक है आगे बढ़ते अब नेम के बाद हमें ईमेल देना है राइट right? नेम के बाद हमको ईमेल देना है यहाँ पे अब हम मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो सेम ही रखेंगे इसको 48 परसेंट रखेंगे इसको 45 फाइव पिक्सल रखेंगे इसको फ्लोट करा देंगे राइट ठीक है फिफ्टीन जीरो टू पिक्सल सॉलिड हो बाकी सब चीज़ें सेम ही रखेंगे ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा दिखने लगा है अब मैं इसको वापस से कॉपी कर लूँगा अब आप इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी करने की बजाय सेम क्लास लगा के जो कॉमन चीज़ें हैं वो एक ही उसमें अप्लाई करके बाकी अलग अलग भी कर सकते थे बट आई वॉन्ट दिस थिंग टू बी एज ईजी एज पॉसिबल सो इस वजह से मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ ठीक है मैसेज में लेंगे हम विथ लेंगे हंड्रेड परसेंट क्योंकि हमें यह चाहिए हंड्रेड परसेंट हाइट हम लेंगे यहाँ पे दो सौ पिक्सल ठीक है और दो पिक्सल ज़ीरो पॉइंट फाइव ट्रांसपेरेंट मार्जिन और इसको किया सेव ठीक है तो बॉक्स हमारा ठीक दिखने लगा है मार्जिन हम यहाँ पे ले लेंगे कितनी फिफ्टीन पिक्सल और ज़ीरो पिक्सल ठीक है सेव किया ओके दिस इज दिस इज मच बेटर है ना अच्छा दिखने लगा है तो ये हमारा मैसेज हो गया अब हम पी को टारगेट करेंगे फोटो सेंटर का जो पी है उसको उसके साथ थोड़ा सा ले करेंगे यह पहले हम बटन को टारगेट कर लेते हैं बटन के साथ कुछ ना कुछ हम उसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं फुटर के बाद बटन ठीक है विथ यहाँ पे लेंगे हम उसकी 150 फिफ्टी पिक्सल हाइट हम यहाँ पे लेंगे आ, 47 सेवन पिक्सल और मार्जिन टॉप हम यहाँ पे लेंगे 15 पिक्सल ठीक है बैकग्राउंड कलर हम लेंगे ट्रांसपेरेंट बॉर्डर हम यहाँ पे लेंगे टू पिक्सल सॉलिड हैश एफ 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 ठीक है और जो कलर है दैट विल बी हैश एफ़ एफ एफ कलर हम वही लेंगे फॉन्ट का जो वेट है वो होगा 600 और मार्जिन हम यहाँ पे ले लेंगे 20 पिक्सल और ज़ीरो ठीक है ज़ीरो आप जब भी लिखते हैं ना तो यहाँ पे आपको पिक्सल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ठीक है ज़ीरो का मतलब ज़ीरो होता है तो देखो हमारे पास ये अमेजिंग सा ब्यूटीफुल लुकिंग बटन यहाँ पर मिल गया है ठीक है तो ये हमारा फुटर बटन हो गया उसके बाद हम इसको फूटर पी ले लेते हैं है ना इसका हम फॉन्ट साइज ले लेंगे 1.2 पॉइंट टू रैम ओपेसिटी ले लेंगे 0.5 और फॉन्ट वेट ले, ले लेते हैं 100 ठीक है इसको मैंने सेव कर दिया तो आप देखोगे यहाँ पर मेरा अनटाइटल डिज़ाइन By टेम्पलेट by स्टडी इस तरह का मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मेरी लिए लेआउट है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है नाउ अब मुझे इसको रिस्पॉन्सिव करना है एंड नाउ वी विल डू द रिस्पॉन्सिव पार्ट ओके लेट्स राइट रिस्पॉन्सिव पार्ट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक हज़ार uh, पिक्सल पे जो है वो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे राइट right? अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ हंड्रेड परसेंट की 75% कर लेता हूँ ठीक है यहाँ तक है ठीक है थाउजेंड पिक्सल पे बिलो थाउजेंड पिक्सल आई नीड सम बैनर का जो एच है थ्री बॉक्स जो है सॉरी उसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं आई विल डू द चेंजेस फर्स्ट नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एट द रेट मीडिया उसके बाद ओनली स्क्रीन एंड मैक्स मैक्सवेथ पिक्सेल ठीक है ये किया और उसके बाद यहां पे आके डॉट बैनर एच वन लिया पैडिंग राइट ली कितना दस परसेंट ठीक है बैनर एच वन लिया पैडिंग राइट ली दस परसेंट और नीचे डॉट थ्री बॉक्स जो है, थ्री बॉक्स है, उसमें मैं यहाँ पे पैडिंग ले लूँगा ट्वेंटी फाइव पिक्सल ठीक है तो जब मैं इसके ऊपर हूँ तब तो ठीक है जैसे ही मैं हज़ार पिक्सल के नीचे जाऊँगा यू विल सी इट चेंज है ना अभी गेप ज़्यादा है देखो गेप यहाँ पे कम हो गया है ना ऊपर इसी तरीके से वन ओ फोर वन पर ठीक है जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ यू विल सी ए डिफरेंस ठीक है ये 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 आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा है ना छोटे पे जाने पे ये ऊपर जा रहा है राइट हरी बात समझ में तो ये डिफरेंस यहाँ पे हमने क्रिएट किया आ, बैनर में थ्री बॉक्स में ये पैडिंग राइट right को यहाँ पे चेंज करके ठीक है ओके मूविंग ऑन अब हम क्या करेंगे कि अब हम डायरेक्टली मोबाइल के लिए हमारी वेबसाइट को पूरा डिज़ाइन करेंगे कि सेवन सिक्स एट पिक्सल जो कि मोबाइल का रिजोल्यूशन होता है जनरल उसके नीचे हमारी वेबसाइट कैसे दिखने वाली ठीक है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा सेवन सिक्स एट पिक्सल ओके okay? इसको किया मैंने ब्रैकेट में और डॉट सेंटर नेव एल और इस पर मैं कर दूंगा डिस्प्ले नन ठीक है फ्लोट लेफ्ट करा देंगे हम इसको अब ये हमारा जो नेविगेशन जो हमें दिख रहा है ना इसके लिए हम कर रहे हैं इसको हम डिस्प्ले नन करवा देंगे और इसकी जो पैडिंग है लेफ्ट वो करवा देंगे टेन पिक्सल ठीक है इसके बाद इसकी पोजीशन है वो कराएंगे हम एब्सोल्यूट और टॉप से इसको करेंगे हम सेवेंटी फाइव पिक्सल ठीक है तो अभी के लिए मैं इसका सिर्फ डिस्प्ले नन हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये जैसे ही नीचे जाएगा तो कहाँ आ जाएगा ठीक है देखो नीचे आ रहा है जैसे कर रहा है जंप करते ही नीचे जा रहा है ओके ठीक है ग्रेट अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऊपर जाने नीचे जाते ही मैं चाहता हूँ कि ये छुप जाए ठीक है तो देखो यहाँ पे गायब हो गया ठीक है और हम ये चाहते कि यहाँ पे हमारा बटन दिखने लगे और वो बटन दबाने के बाद आपका ये जो है वो विजिबल हो या हाइड हो ठीक है तो वो अब हम करेंगे उसको आगे करेंगे चलो डॉट आइकन को हम टारगेट करते हैं और यहाँ पे हम उसको कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक और मार्जिन राइट मार्जिन राइट हो जाएगी कितनी टेन पिक्सल तो उसको जैसे ही मैंने छोटा किया और ये बटन हमें यहाँ पे मिलने लग गया अब इसको क्लिक पे टॉगल करवाना है वो काम हम करेंगे जेक्वेरी से ठीक है बाकी ये हम यहाँ पे इसको कर दिया हमने ओके अब ये था हमारा आइकन अब हम हमारे पास लेफ्ट और राइट सेक्शन है देखो नीचे आते हैं ये दो सेक्शन है इन दोनों सेक्शन को हम चाहते हैं कि हंड्रेड हंड्रेड परसेंट हो जाए है ना तो उसके लिए मैं क्या करूँगा डॉट टू सेक्शन सेंटर के अंदर डॉट लेफ्ट ठीक है एक इसको टारगेट किया मैंने सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड माई डूइंग करेक्ट ठीक है इसको मैंने टारगेट किया सबसे पहले और फिर कॉमा लगाया और फिर ये लेफ्ट को भी टारगेट किया और राइट को भी किया है ना तो ये दोनों डिवे एक साथ मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिए और सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसके विथ जो है वो दे दूंगा हंड्रेड परसेंट ठीक है किया इसको सेव दैट विल बी हंड्रेड परसेंट देख रहे हो तो अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ ठीक है तो देखो ये कितना हॉच पॉच लग रहा है राइट इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट बट द मोमेंट आई अप्लाई दिस इट लुक्स अमेजिंग प्रिजेंट इट राइट ठीक है तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है देखो मीडिया क्वेरीज कैन कंप्लीटली चेंज यूर लेक अब उसी तरीके से हमें जो ये वाला पार्ट है इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है इसमें चेंजेस करना है वो हम अब यहाँ पे चेंजेस करेंगे ठीक है ओके mm. okay. ये है थ्री बॉक्स ठीक है थ्री बॉक्स के अंदर विथ लेंगे हम हंड्रेड परसेंट और टेक्स्ट सेंटर ठीक है देखो अब मैजिक हो गया इज इन इट ग्रेट ठीक लग रहा है यस ओके मूविंग ऑन थ्री बॉक्स के नीचे मैं आता हूँ फूटर सेंटर डॉट फूटर सेंटर ठीक है इसका जो टेक्स्ट अलाइन है एक्स अलाइन ही टेक्स्ट अलाइन है वो हमें करना है सेंटर ठीक है तो ये देखो ये क्या हो रहा है पूरा सारा कंटेंट जो है यहाँ पे आके ये सेंटर में हो रहा है तो लेआउट का जो पूरा पूरा जो वो है वो यहाँ पे हम उसको चेंज कर रहे हैं ठीक है ग्रेट फुटर सेंटर हो गया हमारा थ्री बॉक्स हो गया और हमारा ये जो था टू सेक्शन सेंटर जो था उसके अंदर मैं क्या करूँगा पैडिंग और थोड़ी सी मार्जिन जो है वो ऐड कर दूँगा तो मैं टू सेक्शन सेंटर में जाता हूँ विथ के अंदर और पैडिंग ऐड कर दूंगा थोड़ी सी पैडिंग ट्वेंटी पिक्सल और मार्जिन ऐड कर दूंगा फिफ्टीन पिक्सल और जीरो पिक्सल है ना तो अभी क्या है कि देखो थोड़ा सा थोड़ा सा लेआउट ये ऐसा है आफ्टर आई डू दिस ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और ज़्यादा मतलब फेल रहा है इट इज़ लुकिंग मच बेटर है ना पैडिंग और मैंने जो मार्जिन है उसको चेंज कर दी तो ये थोड़ा और फुल विट यहाँ दिखने लगा है ओके okay? तो एक ये चीज़ मुझे ऐड करनी थी और थ्री बॉक्स के अंदर भी मैं पैडिंग जो है उसको चेंज करूँगा थ्री बॉक्स के अंदर पैडिंग को मैं चेंज करूँगा ले लूँगा ट्वेंटी पिक्सल ठीक है तो अभी देखो थ्री बॉक्स के अंदर अभी इतनी पैडिंग थी जैसे मैं उसको सेव करता हूँ तो आपको ये डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा थ्री बॉक्स के अंदर जो पैडिंग है वो हमने यहाँ पे चेंज कर दी है ओके ठीक है ओके okay, ग्रेट अब हम आ, बैनर जो है हमारा बैनर को मैंने टारगेट नहीं किया है एक काम करता हूँ मैं बैनर को ऊपर ले लेता हूँ चलो नीचे लिख ले ले लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बैनर ठीक है तो बैनर में मुझे थोड़ी सी पैडिंग जो है वो चेंज करना है देखो पैडिंग क्या होता है कि जब आपने डेस्कटॉप के लिए जब उसको क्रिएट किया था ना तब अलग थी थोड़ी सी और अब है थोड़ी अलग सी है हाँ ना तो बैनर के लिए मैंने यहाँ पे पैडिंग जो है वो चेंज यहाँ पे कर दी देखो ठीक है ऐसा है बट द मोमेंट आई अप्लाई दिस अरे क्या हो रहा है ये ठीक है तो ये जो पैडिंग है टॉप की वो चेंज हो रही है ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है पहले ये बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था राइट तो वो वाला चेंज जो है बैनर में हमने किया है उसके बाद वन सेक्शन जो है हमारा ये वाला जो वन सेक्शन है इसमें भी देखो गेप जो है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा दिख रही है तो ये भी थोड़ी सी अगर हम चेंज कर दें तो इट विल लुक मच बेटर है ना तो वो हम यहाँ पे पैडिंग जो है वो ले लेंगे फिफ्टी पिक्सल और थर्टी पिक्सल ठीक है तो वन सेक्शन की थर्टी पिक्सल और ये देखो थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पर और इट्स लुकिंग गुड ग्रेट ओके अब डॉट बटन जो है हमारा डॉट बी टी एन कहाँ है हमारे बी टी एन बी टी एन बी टी एन हमारा जो बटन है इसके साथ हमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें तो वो चेंजेस हम करेंगे डॉट बी टी एन को हम कर देंगे विथ थोड़ी सी कम कर देंगे वन थर्टी पिक्सल कर देंगे देखो अब ये ये जो चेंजेस में कर रहा हूँ ना दिस आर नॉट सम बिग चेंजेस है ना बट देखो पिक्सल परफेक्ट लेआउट क्या होती है पिक्सल परफेक्ट लेआउट का मतलब होता है कि आपका हर एलिमेंट जो है वो बहुत ही नीटली डन है बहुत ही बारीकी से किया हुआ है देखो अभी बटन थोड़ा सा छोटा होगा तो आपकी आपका वो आपको करना पड़ेगा आपको काम करना पड़ेगा आपको मेहनत डालनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि वो एकदम एकदम बहुत अच्छा सा दिखे ठीक है अब ये जो थ्री बॉक्स है ना इसके अंदर एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है मार्जिन ना मार्जिन ले लूँगा मैं बीस पिक्सल और जीरो देखो ये मैंने मार्जिन यहाँ पे चेंज कर ली ऊपर नीचे से बीस पिक्सल है और लेफ्ट राइट से ज़ीरो ठीक है और ट्वेंटी पिक्सल इसकी थोड़ी सी आ, मैं विथ यहाँ पे दूंगा थ्री बॉक्स के अंदर चलो लेट इट बी ओके okay. ग्रेट uh, इसकी थोड़ी सी बॉक्स शेडो दे देंगे हम इफ़ यू बॉक्स शेडो इट विल लुक मच बेटर बॉक्स शेडो टू पिक्सल टू पिक्सल टू पिक्सल टू 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 ट्वेंटी पिक्सल टू पिक्सल हैश डी ए डी सेवन डी सेवन ओके okay, ठीक है पैडिंग थोड़ी सी इसकी इंक्रीज़ कर देते हैं लेट्स मेक इट फोर्टी पिक्सल देखते हैं कैसी लगती है ओके लुकिंग मच बेटर और थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हम यहाँ पे दे देंगे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हम दे देंगे फाइव पिक्सल ठीक है तो तो और ज़्यादा ये यह यहाँ पे हमें बेटर दिखने लगेगा ठीक है तो आई थिंक इट्स लुकिंग मच बेटर देन बिफोर पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत सारे चेंजेस हमने कर दिए यहाँ पे, है ना और अगर इसको मैं छोटा करता हूँ तो दिस लुक्स अमेजिंग ठीक है और आई थिंक इतना छोटा करने पे भी इट इज़ लुकिंग फाइन ओके गाइस वन थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड यहाँ पे देखो तो हमारे जो बटन से स्टाइलाइज नहीं हुए हैं राइट तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई थी बी टी एन तो वो वाली जो क्लास है वो सभी इन बटन्स में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्लास बी टी एन ठीक है ये मेरा बटन बन गया इसी तरीके से मैं इसको इससे रिप्लेस यहाँ पे कर दूंगा ठीक है तो ये मेरे बटन्स मुझे यहाँ पर मिल गए ठीक है गाइस तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आप देख रहे होंगे कि ये लेआउट बहुत ही अच्छी है लाइक like, अगर मैं इसको पूरे इस पर करता हूँ तो इस तरीके से मुझे कुछ दिखाई देती है राइट right? और अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे लेआउट दिखाई देती है और इसको मैं और छोटा करता हूँ तो इट्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव एंड इट लुक्स अमेजिंग ठीक है गई तो आपको इस लेआउट को प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस 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 करना है और प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है प्रैक्टिस के बिना कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आनी है और कुछ नहीं होना है सो डोंट वॉच दिस वीडियो जस्ट वॉच दिस वीडियो इसको प्रैक्टिस भी करो ठीक है प्रैक्टिस करोगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप इसका यूटिलाइज कर पाओगे और गाइज अगर आपको इन डेप्थ सीखना है ना कि ये लेआउट कैसे बनी राइट right? आप इस टाइप के लेआउट्स आंख बंद करके बना सकते हैं अगर आपको इसका सही नॉलेज हो इसकी कन्सेपच्चुअल लर्निंग हो राइट right? तो वो कन्सेपचुअल लर्निंग जो है मैं आपको करवा सकता हूँ मैं अगर चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ बट वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी राइट right? तो मेरी जो पर्सनल कोचिंग है उसके अंदर मैं डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को ये चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ राइट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन यू इन वन वीडियो देर आर कपल ऑफ वीडियोज़ आई हैव क्रिएटेड राइट देर इज़ ए होल प्रोसीजर इन इट कि कैसे वो कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट इतने ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं और अगर आप उन कॉन्सेप्ट को किसी भी लेआउट में अप्लाई करते हैं तो वो आप बना सकते हैं ठीक है तो इफ यू आर इफ यू हैवन ज्वाइन माई कोर्स यू आर मिसिंग आउट सो मच आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो और जो आप प्रा, प्राइस पे करोगे ना उसके बदले में जो आपको लर्निंग मिलेगी वो कुछ भी नहीं तो अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया हो तो मेरा जो नंबर है उस पर मुझे मैसेज करो आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड गाइज दैट्स इट फॉर दिस क्लास एंड आई एल सी यू नेक्स्ट क्लास बाय